Good morning, students. Myself Dileep Garg, lecturer civil engineering, GPC Karoli. जैसा कि हमें पता है कि इस साल VTR ने हमारे सिलेबस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं पेपर में, तो आज हमारी एक सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कोड है CE 301। तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए चित्र में कुल अनिर्धारिता है। अनिर्धारिता मतलब इनडिटर्मिनेसी आपको फाइंड आउट करनी हुई है, और जो आपका डायग्राम है वो ये है। आपका डायग्राम आपको यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका क्या हिंज सपोर्ट, और इस फ्रेम को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, तो एक ट्रस स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमें पता है कि जो आपका हिंज सपोर्ट होता है, वहाँ पे आपकी जो सपोर्ट रिएक्शन आती है आर, वो कितनी आती है 2, और रोलर सपोर्ट पे आपकी आती है कितनी आर बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेसी होती है हमारी, टोटल इनडिटर्मिनेसी को या अनिर्धारिता को हम टी से डिनोट करते हैं, जो होती है टी बराबर ई प्लस के आई। यहाँ पे ई है आपकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल वाली, कौन सी है एक्सटर्नल, और जो आई होती है वो होती है आपकी इंटरनल आंतरिक। तो यहाँ पे जो आपकी ई है, उसके नोट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर आर माइनस के स्मॉल आर ई। यहाँ पे जो आपका आर है वो होता है टोटल सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे दो सपोर्ट है, हिंज और रोलर, तो आर का मान हो गया हमारा 2 और 1, कितना 3। और आर ई हमारे लिए होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जिसका मान हमें ऑलरेडी पता होता है आर ई बराबर 3। तो इस प्रकार से जो हमारी ई का मान है, जो हमारे ई का मान है वो हो गया 3 माइनस के 3 बराबर 0। 3 माइनस के 3 आप देख नहीं पा रहे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से ई का मान हो गया हमारा कितना, ई बराबर इम्प्लाइज दैट ई बराबर हम लिख लेते हैं 0। अब जो ट्रस स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे आई का मान आंतरिक इंडिटर्मिनेसी दी जाती है 2j, ये दी जाती है आपकी एम माइनस के 2j माइनस के 3। यहाँ पे एम होता है नंबर ऑफ मेंबर, एम होता है नंबर ऑफ मेंबर, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। तो एम का मान हो गया 5, जे का मान हो गया कितना, जे होता है अपन नंबर ऑफ जॉइंट, तो ये एक जॉइंट है, दूसरा जॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जॉइंट हो गए कितने 4, तब 2 × 4 − 3। जब इसको सॉल्व करते हैं 2 × 4 = 8 − 3 = 5, 5 − 5 ये कितना 0, तो आई का भी मान हमारा कितना आ गया 0। तो इस प्रकार अगर देखें तो आई का भी मान कितना है 0। तो हमारी जो टोटल इनडिटर्मिनेसी हो गई, ये हो गई 0 + 0, तो ये हो गई हमारी 0। तो अब ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन है हमारा पहला, ऑप्शन फर्स्ट है 1, ऑप्शन 2 है बी है 2, तो ये गलत हमारा, क्योंकि टी का मान कितना आ रहा था हमारा 0, ऑप्शन सी है आपका 0, दैट मीन आंसर क्या हो गया 0, आपका ऑप्शन सी ए करेक्ट ऑप्शन है आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कि ट्रस में आंतरिक अनिर्धारिता किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, और उसने पूछा है लास्ट में 2D स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अभी हमने देखा था कि आंतरिक जो इंडिटर्मिनेसी होती है आई बराबर ये दी जाती है एम माइनस के 2j − 3। तो देखते हैं फॉर्मूले में क्या है, ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ई बराबर आर माइनस के आर, तो अभी देखा था कि जो बाह्य है इंडिटर्मिनेसी ई बराबर आर माइनस के आर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल का नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर है आई बराबर एम माइनस 2j + re, हाँ अगर ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको आई बराबर एम माइनस 2j − re, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन बी में प्लस, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत। थर्ड वाले ऑप्शन में है एम माइनस 2j + 2, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, बचा हुआ ऑप्शन क्या है आई बराबर एम माइनस 2j − 3, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट फ्रेम पूर्ण ढांचे के लिए निम्न में से कौन सी शर्त
होती है, यानी कि जो हमारे फ्रेम्स होते हैं उसको किस प्रकार चेक किया जाता है कि वो परफेक्ट फ्रेम है या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं, किसी भी फ्रेम को चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एम बराबर 2J माइनस 3। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे ये अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन देखा था कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो एम बराबर 5, ठीक है। और जे बराबर क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट, तो 1, 2, 3, 4, 4। जब इसको सॉल्व किया तो एम तो 2 × 4 − 3 = 5, तो मतलब एम बराबर किसके आ रहा है, 2J − 3 के। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, पूर्ण फ्रेम, पूर्ण स्ट्रक्चर होती है। तो देखते हैं क्या है, तो पहले ऑप्शन में एम बराबर 2J + 3 जबकि हमारा है 2J − 3, तो ये गलत हो गया। एम लेस देन 2J − 3 हमारा क्या है, बराबर, तो ये भी गलत हो गया। एम ग्रेटर देन, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या है, एम बराबर 2J − 3, तो ऑप्शन डी हमारा ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाई गई धरन के लिए मुक्त सिरे पर ढाल का मान क्या होगा। तो नीचे दर्शाई गई धरन हमारी कौन सी है, कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पे बाहर W लगा रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, L। तो इस केस में जो स्लोप का मान होता है वो दिया जाता है आपका, जो थीटा कहाँ पे, मुक्त सिरे पे पूछा है B पे, तो थीटा भी दिया जाता है W L² / W L² * 2E I से। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा W L² / 2E, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है W L³/3, ये गलत। W L³ यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है ये भी गलत, यहाँ पे पावर 4 है तो ये भी गलत, और लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है, W L² / 2E I। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। इसके बाद नए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कैंटिलीवर धरन के मुक्त सिरे पर एक बिंदु भार लगाया जा रहा है। तो कैंटिलीवर धरन बना लेते हैं, कैंटिलीवर धरन है जिसके मुक्त सिरे पे क्या है, एक बिंदु भार, ये W बिंदु भार हो गया, जिसकी लंबाई कुछ होगी मान लिया, कितना है, L। अब उसने पूछा है तो धरन में अधिकतम विक्षेपण कहाँ होगा, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो हमें पता है कि ये जो बीम है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट, सॉरी एक सेकेंड, ये वाली बीम जो है हमारी कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो कहाँ पे आता है, मुक्त सिरे पे, वो कहाँ पे आता है, मुक्त सिरे पे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं, धरन के केंद्र पर गलत है, आबद्ध सिरे पे, मतलब वो बोल रहा है आपका कि ये है और हमने अभी देखा इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से था, तो केंद्र तो यहाँ पे होगा और ये क्या है, फिक्स आबद्ध सिरा, तो दोनों ही गलत हो गए। ऑप्शन ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में आबद्ध सिरे एवं मुक्त सिरे के बीच में, आबद्ध सिरे और मुक्त सिरे के बीच में, तो जबकि हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, मुक्त सिरे पे ही आ रहा है, ना कि इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा मुक्त सिरे पर, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शुद्ध आलंबित धरन के केंद्र पर, अब शुद्ध आलंबित धरन क्या होती है, वो कि भाई एक सिरा उसका हिंज हो और दूसरा रोलर। अब उसके केंद्र पर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार, कि यदि शुद्ध आलंबित धरन के केंद्र पर एक बिंदु भार कार्यरत है तब बंकन आघूर्ण का चित्र होगा, BMD पूछी है उसने। तो उसके अकॉर्डिंग एक केंद्र पर पॉइंट लोड लगा देते हैं, तो हमें पता है कि एक जनरल केस है और इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह से, और इसका मान कितना होता है, WL/4। तो देखते हैं आंसर में क्या है। तो ये डायग्राम किसके लिए होता है, ये होता है आपका UDL, अगर केंद्र पर, अगर इस पॉइंट लोड की जगह अगर इस बीम पे UDL होती तब ये बनाते हम। और ये वाला होता है डायग्राम आपका किसके लिए, ये होता है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए, कि अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर है आपकी इस तरह की, सॉरी ये आपकी प्रॉप्ड कैंटिलीवर है और इस पे क्या है, UDL, तब उस केस में ये वाला डायग्राम बनता है। कैसे बनता है देखिए, कि फिक्स एंड पे तो नेगेटिव और ये वाला इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला डायग्राम होगा किसके लिए, प्रॉप्ड के लिए, तो ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन सी। तो जैसा कि अभी देखा था हमने कि भाई ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये केंद्र पर है लोडिंग, और ये वाला, और ये कितना, WL/4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो से अधिक आलंब वाली धरन क्या कहलाती है। तो दो से अधिक आलंब वाली धरन मतलब जैसे ये एक आलंब है,
दूसरा आलम ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो बीम होती है वो हमारी सतत धरन या कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, गलत। फिक्स बीम, ये भी गलत। थर्ड कैंटिलीवर, ये गलत। चौथा कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि अगर इनको देखें ऑप्शंस को तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी कैसी होती है कि एक धरन तो किसका हो, हिंज, और दूसरा क्या हो, रोलर। इसके बाद फिक्स बीम क्या होती है, फिक्स बीम होती है आपकी कि जिसके दोनों ही सिरे क्या हो, फिक्स। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, ये कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर में क्या होता है, एक सिरा तो इसका फिक्स हो और दूसरा सिरा मुक्त हो, और कंटिन्यूअस में तो दो से अधिक धरन होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने दो बीम हमें शो की है, बीम फर्स्ट और बीम सेकंड। अब वो क्या बता रहा है कि यहाँ दर्शाई गई धरनों में बीम फर्स्ट और बीम सेकंड के विक्षेपनों या डिफ्लेक्शन का मुक्त सिरे पर अनुपात क्या है। सॉरी, इस तरह देखिए कि दर्शाई गई धरनों में बीम फर्स्ट और बीम सेकंड के विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन का मुक्त सिरे पे अनुपात, मतलब बीम ये। तो पहली वाली बीम क्या है, हमारी पहली बीम है कि भाई कैंटिलीवर बीम है जिसके मुक्त सिरे पे डब्लू भार लटकाया हुआ है और जिसके लेंथ है कितनी एल, माना ये सिरा है ए बी, तब हमें पता है कि इस पे डिफ्लेक्शन कितना आता है, वी डेल्टा भी आता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ई आई। दूसरी बीम है हमारी क्या, दूसरी बीम जैसे कि आपने देख सकते हो दूसरी बीम क्या है, एक कैंटिलीवर है जिसपे यूडीएल लगी है बी ए। अब बात है कि इसने क्या किया, इस लोड को इसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कैपिटल डब्ल्यू ये लोडिंग लग रही है और एल इसकी लेंथ है, तब बी पे डिफ्लेक्शन, इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकेंड। तो इसका क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन आपका होता है 3 8 ई आई। अगर ये डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू होता तब क्या लिखते हैं हम, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। लेकिन ये स्मॉल डब्ल्यू अगर हम इसको कन्वर्ट करें स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल क्यू अपॉन 8 ई आई, तो ये पूरा का पूरा क्या बनाता है हमारा, ये बनाता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू। तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया। अब उसने पूछा है, क्या पूछा है, कि बीम फर्स्ट का बीम सेकेंड के साथ विक्षेपण का अनुपात। तो देखिए डेल्टा, इनको साफ कर देते हैं एक बार, तो डेल्टा वी फर्स्ट अपॉन डेल्टा वी सेकेंड। तो डेल्टा वी फर्स्ट क्या है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ई आई, और दूसरा क्या है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 8 ई आई। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या हमारे पास, ये बचा 8/3। कहने का क्या मतलब है, 8:3। तो देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा, आंसर पहले वाले में है 3:8, मतलब इसने क्या किया, बीम टू को 1 से अनुपात कर दिया, तो गलत है। फिर 1.5, ये भी गलत है, 8:3, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि निम्न में से प्रॉप्ड कैंटिलीवर कौन सी है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक बार फिर देख लीजिए कि निम्न में से प्रॉप्ड कैंटिलीवर कौन सी है। तो उसने ऑप्शन ए में दर्शाई है इस तरह की बीम। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दर्शाई है, ये वाली। तो ये वाली हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी आपकी होती है कैंटिलीवर। फिर उसने बी ऑप्शन में इसको एक और सपोर्ट दे दिया, तो ये होती है फिक्स। फिर ऑप्शन सी में उसने कुछ इस तरह की बीम दर्शाई है, या तो ये वाली होती है हमारी सिंपली सपोर्टेड। एंड ऑप्शन फोर में उसने एक सिरा आबद्ध किया है और दूसरा सिरा क्या कर दिया, हिंज। तो प्रॉप्ड जो कैंटिलीवर होती है उसमें एक सिरा आबद्ध होता है, दूसरा हिंज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के डिस्कशन का, कि जहाँ धरन में शियर फोर्स का मान 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इनमें से क्या होगा। तो कहने का मतलब वो ये पूछ रहा है कि जब आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हो या कहीं पे भी किसी भी बीम में शियर फोर्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 होती है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, न्यूनतम होगा कि अधिकतम होगा कि शून्य होगा, 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके केंद्र पर एक कोई पॉइंट लोड लग रहा है W। तब अगर इसका हम रिएक्शन देखें तो कितनी आएगी, रिएक्शन आएगी W/2। एक बार ऊपर ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, इसके अगर केंद्र पर W भार लग रहा है तब इस पे रिएक्शन आती है कितनी, W/2, और इधर भी कितनी, W/2। और इस रिएक्शन की मदद से अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। तो ये ए सिरा है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी,
तो देखो सी पे क्या है आपका, इस वाले पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, जीरो। तो जब शियर फोर्स जीरो है, ठीक, तो अगर हम देखें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इसका ये इस तरह से। तो इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम। और दूसरे एग्जांपल से और क्लियर करना चाहो तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है कि जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे यूडीएल लगी हुई है पूरे पे, तो अगर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम देखें, एसएफडी देखें, तो एसएफडी कुछ किस तरह की बनती है, एसएफडी बनती है कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये WL/2 और ये भी WL/2, ये क्या है आपकी एसएफडी। अगर इसका बीएमडी देखें तो बीएमडी देखो इस वाले सेक्शन पे क्या आ रहा है, इस वाले सेक्शन पे क्या आ रहा है, शियर फोर्स जीरो। तो यहाँ पे क्या आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है ये, और इसकी वैल्यू क्या इतनी होती है, WL²/8। तो कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पे शियर फोर्स का मान जीरो होगा, जहाँ पे शियर फोर्स का मान जीरो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अधिकतम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले डिस्कशन में, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।